नमस्कार, रियल लाइफ रेसिपी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे साबूदाने का खीर। इसे हम बहुत ही आसान तरीके से बनाना आपको बताएंगे। इस तरीके से अगर हम खीर बनाते हैं तो इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। साबूदाने के खीर को व्रत में हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है। इसे खाने से हमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। सबसे पहले हम इसे उबलने के लिए गैस पर रखेंगे। जब तक दूध उबल रहा है साबूदाना साफ कर लेते हैं। मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, ये आपको मार्केट में इजली मिल जाएगा। अब हम इसे धोकर साफ कर लेंगे। साबूदाना आपको छोटे और बड़े दोनों आकार में मिलेंगे। अगर खीर बनाना है तो आप बड़े दाना वाला साबूदाना लें। साबूदाना को मैंने धोकर साफ कर लिया है। अब हम इसमें आधा कप पानी डालकर इसे 10 से 15 मिनट तक फूलने के लिए रखेंगे। जब तक साबूदाना हमारा फूल रहा है तब तक हम इधर दूध को अच्छी तरह से बॉयल कर लेंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम इसे 3 से 4 मिनट और इसी तरह चलाते हुए पका लेंगे। आप इसे बनाने के लिए गाय का दूध या किसी पैकेट का दूध भी ले सकते हैं, पर हाँ, ये फुल फैट दूध होना चाहिए। दूध को हमें अच्छी तरह बॉयल करना है। दूध में अच्छी तरह उबाल आ चुका है। इधर साबूदाना भी हमारा अच्छी तरह से फूल चुका है। अब हम इसे पानी से अलग कर लेंगे। साबूदाने को पानी से छानने के बाद हम इसे दूध में सावधानी से डालेंगे। दूध हमारा अच्छी तरह बॉयल हो चुका है। अब हम इसमें साबूदाना को डालकर इसे पकाएंगे। साबूदाना को दूध में डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से चलाएंगे। अगर हम साबूदाना को दूध में डालने के बाद अच्छी तरह से नहीं चलाएंगे तो फिर ये पतीले में चिपकना शुरू कर देगा, जिससे साबूदाना हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। हम इसे बीच बीच में इसी तरह बराबर चलाते रहेंगे। साबूदाना बनाने में हमें 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। साबूदाने में उबाल आ चुका है, ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है और इसमें चिकनाहट भी आ चुका है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट डालेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 4 से 5 काजू, थोड़ा सा नारियल उसे मैंने काट के लिया है, 2 इलायची कूट कर लिया है और 4 से 5 मैंने बादाम को भिगो करके लिया है। आप चाहें तो इसे काट कर रह सकते हैं। मैंने कद्दूकस करके डाला है। इसे हम इसमें डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करने के बाद इसे हम चलाते हुए 5 से 6 मिनट और पकाएंगे। 5 से 6 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं ये थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैंने इसमें आधा कप से थोड़ा सा कम चीनी लिया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा आधा कप भर के चीनी लें। इसे हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। चीनी डालने के बाद हम 2 से 3 मिनट तक इसे और पकाएंगे। ध्यान रहे इसे हमें बराबर चलाते हुए पकाना है, क्योंकि इस स्टेज पे साबूदाना जल्दी चिपकते हैं, इसलिए हम इसे चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो लीजिए, तैयार है साबूदाने का खीर। तो इस तरीके से साबूदाने का खीर बनाकर आप व्रत में खा सकते हैं। हम इसे गार्निश करेंगे। मैंने यहाँ 2 से 3 काजू और थोड़ा सा बादाम काट करके लिया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो लीजिए, खाने के लिए तैयार है साबूदाने का खीर। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस तरीके से एक बार साबूदाने का खीर बनाकर ज़रूर देखें। ये व्रत वाला साबूदाना है। और हाँ, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपका साबूदाना कैसा बनकर तैयार हुआ।